हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो यार बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिलहाल यार कहानी कुछ ऐसी है कि अभी यार मुझे जॉब पे निकलना है, जैसा कि देख सकते हो मैं फॉर्मल से कपड़े पहना हुआ हूँ, तो टाइम थोड़ा सा कम है। तो इस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा क्विक रखेंगे और जल्दी से हम इसे फिनिश कर देंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यार आज है 19 जून, और 19 जून को यार मेरी कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई थी आज से 2 साल पहले, जिसका नाम है स्मार्ट क्राफ्टिंग। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूँ और मैंने अपनी एक छोटी सी ई कॉमर्स स्टोर मैंने स्टार्ट किया था, जो कि था 19 जून को, और आज से उसे 2 साल हो गए हैं। तो हम लोग ने यार पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, सब कुछ काफ़ी सही चला, पैसे तो ज़्यादा नहीं कमाए, बट हाँ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्डअप हो गया। उसके अलावा यार कह सकते हैं कि अच्छा लगा, दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसी के उपलक्ष्य में यार मैंने ट्राई करने का सोचा। तो बेसिकली यार ये मैंने काफ़ी टाइम पहले सोच लिया था। तो हुआ ये कि यार मैं यूजुअली मेरे घर के पास एक एरिया है आधारताल, उस एरिया में क्या है मेन मार्केट वहीं लगता है। तो मैं यूजुअली हफ्ते में 2 बार या 3 बार अपने पेरेंट्स को लेके वहाँ जाता था सब्जी लेने, और मेरा काम था कि वो मार्केट जो है सब्जी मंडी है उसके बाहर ही मैं गाड़ी के साथ खड़ा रहता था, वेट करता रहता था, और मेरी मम्मी या फिर जो भी मेरे साथ ग्रैंडफादर अगर जा रहे हैं तो वो जाके अंदर से सब्जी वगैरह है वो परचेज करते थे, उसके बाद वो वापस आते थे, मैं उनको ले आता था। तो मैं जब बाहर खड़ा होता था वहाँ पे एक टपरी थी, तो उस टपरी में बेसिकली मैं जाके बिस्किट खाता था और बिस्किट या कुरकुरे वहाँ पे खरीद लेता था। वहाँ पे एक डॉगी हुआ करता था जो कि मतलब ब्लैक कलर का नॉर्मल स्ट्रीट डॉग था, तो उसे मैं बिस्किट खिलाया करता था। उस स्ट्रीट डॉग के बहुत खरे थे, मतलब उसको आप जमीन में बिस्किट दो वो नहीं खाता था, उसको बिस्किट जो है तोड़ के वहीं कुर्सी में रखना पड़ता था तब वो उसे खाता था। तो ये काफी अच्छा था, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग हो गई थी, हफ्ते में 2-3 बार मैं जाता था उसको खिलाता था, और बस एक अच्छा सा कनेक्शन जो है हम दोनों के बीच बिल्डअप हो गया था। बट एक दिन हुआ ये कि अभी मैं रिसेंटली जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो डॉग वहाँ पे नहीं है। तो मैंने वो आंटी से पूछा जिसकी वो टपरी थी, वो एक आंटी की टपरी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि वो डॉगी कहाँ है, उसको हम लोग कल्लू बोलते थे। तो उन्होंने बताया कि उसे रात में एक ट्रक वाले ने उड़ा दिया। तो ये मेरे साथ पहला इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा। उसके अलावा भी यार मैं यूजुअली हाईवेज वगैरह पे जाता रहता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि यूजुअली बहुत सारे डॉग्स और बहुत सारे एनिमल्स कोई ना कोई उन्हें रात में भेड़ देता है या फिर कोई ना कोई उन्हें रात में ठोक देता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, तो इसलिए यार मैंने इस चीज़ को कम करने का सोचा और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव लूँगा और इस चीज़ को कम करने का ट्राई करूँगा। ज़्यादा इम्पैक्ट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, बट हाँ मैं ट्राई करूँगा कि मैं कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता हूँ। मैं पूरा अपना ट्राई करूँगा और इस चीज़ को हम लोग आगे लेके जाएंगे। मैंने यार डिसाइड किया कि मैं कुछ करूँगा, तो मैंने सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तभी मुझे एक तरीका मिला जो कि है ये। तो ये क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ एक छोटा सा मिशन जिसका नाम है लाइट कॉलर। ये नाम मैंने अपने खुद से सोचा हुआ है, मुझे नहीं पता किसी ने शायद दे दिया या नहीं दिया। तो मैं एक मिशन लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है लाइट कॉलर, और उस मिशन के तहत मैं ये जो एक कॉलर होती है बेसिकली ये क्या है मैं अभी आपको आने वाले वीडियो में अभी मैं इसको समझाऊंगा आगे। तो बेसिकली मैं ट्राई करने वाला हूँ कि जो कॉलर्स हैं ये मैं एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 डॉग्स को मैं ये कॉलर जो है वो पहनाऊँ। और ये कॉलर क्या है, कैसे काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी 100 कॉलर्स जो है वो मंगा लिए हैं, और भी हैं यहाँ पे ये पड़ी हैं, तो 100 कॉलर्स मैंने मंगा लिए हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 100 कॉलर्स अभी स्टार्टिंग में मैं जो है वो यूज़ करूँ, 100 डॉग्स पे पहनाऊँ स्ट्रीट डॉग्स पे, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगी तो वापस से मैं 100 करके मंगवा लूँगा, और 365 जो 365 दिन होते हैं तो 365 कॉलर्स मैं 365 डॉग्स को पहनाऊँगा। तो ये कॉलर्स कैसे काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की कॉलर्स हैं, आप देख सकते हो ये बिल्कुल छोटी सी है, एडजस्टेबल होती है, और सिंपली आप इसे इसके थ्रू किसी भी डॉग को आप ऐसे यूजुअली पहना सकते हो जी प्यार से। तो ये एडजस्टेबल है, तो यार साइज भी है जो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आप बड़ा करके ही पहनाना ताकि डॉग को प्रॉब्लम ना जाए। तो इस तरह की कॉलर है। अब इस कॉलर की खासियत ये है कि इसमें ये आप देख सकते हो कि ये पट्टी लगी हुई है, ये हल्की सी आप देख रहे हो ना ये पट्टी, तो ये जब लो लाइट मतलब जब लाइट नहीं होता अंधेरा होता है इसमें जब भी लाइट पड़ती है तो ये इसे रिफ्लेक्ट करती है, इसे रिफ्लेक्टिव कॉलर कहते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो डॉग जो भी इसे पहनेगा उसकी विजिबिलिटी थोड़ी हाई हो जाएगी, जब भी दूसरे से दूर से कोई गाड़ी आएगी और उसमें इस कॉलर पर थोड़ा थ्रो पड़ेगा तो ये जो कॉलर है वो ग्लो करेगी, और जो ड्राइवर होगा उसे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करेगा और डॉग्स के जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे। मैं नहीं बोलता कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कम होंगे, बट हाँ थोड़े बहुत जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो बस अगर मेरे कारण एक डॉग की भी जान बच रही है 365 करने के बाद तो यार मेरे लिए बहुत सफिशियंट है। तो बस ये एक छोटा सा मिशन है, स्टार्ट करते हैं, मुझे पता नहीं कैसा क्या जाएगा बट करके देखते हैं।
तो ये रही यार, और आप लोग भी इस मिशन पे मेरा साथ दे सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, वो है इस वीडियो को शेयर। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मुझे देख के शायद कुछ लोग इंस्पायर हों और वो भी ये चीज़ करें, क्योंकि मैं अकेले सारे डॉग्स तक नहीं पहुंच सकता। बट अगर कोई मुझे देख के या फिर इस वीडियो को देख के थोड़ा इंस्पायर होता है और वो इस चीज़ को करता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और सेकेंडली, आप मेरी हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर जबलपुर में रहते हैं तो आप अपने आसपास के स्ट्रीट डॉग को एक कॉलर पहनाइए। उसके लिए अगर आपके पास कॉलर्स नहीं है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप जबलपुर में रहते हैं तो बाहर होंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो जबलपुर में मैं इसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अगर आऊंगा उस साइड। तो आप अपने आसपास के जो डॉग्स हैं उनको आप ये पहना सकते हैं, तो उससे एक मेरी छोटी सी हेल्प हो जाएगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप लोग मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस कॉलर को बाय करिए, मुझसे नहीं कहीं से भी बाय करिए। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, किसी शॉप पे मिल जाएगी, और नहीं मिलती तो आप मुझसे भी कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कॉलर्स आप बाय करिए और अपने डॉग पे, अपने एरिया के आसपास के जितने डॉग्स हैं आप उन्हें पहनाने का ट्राई करिए। तो बस यही था एक छोटा सा इनिशिएटिव आपकी, और यही थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ में इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।